एक बार फिर प्रदेश में एक बच्ची से हैवानियत हुई है। जब ये बात लोगों को पता चली तो गुस्साई भीड़ ने आरोपी बीजेपी नेता की कार में आग लगा दी। उसके घर के सामने जमकर हंगामा किया। लोगों को शांत कराने के लिए भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा। मामला बैतूल जिले के कोतवाली थाना इलाके का है। 13 साल की बच्ची ने पुलिस को बताया कि आरोपी पूर्व एल्डरमैन रमेश गुल्हानी ने सोमवार शाम उसे अपने घर बुलाया था। यहाँ उसके साथ गलत काम किया। बच्ची ने बताया कि इससे पहले भी वह उसके साथ ये हरकत कर चुका है। वह कुछ रुपए देकर किसी को कुछ नहीं बताने की धमकी देता था। इस बार बच्ची ने यह बात घर में बता दी। परिजन तुरंत पुलिस के पास पहुंच गए। बच्ची से रेप की बात पूरे इलाके में फैल गई। इधर पुलिस FIR दर्ज कर ही रही थी कि आरोपी मौका देखकर फरार हो गया। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में गुस्सा बढ़ गया है। उसके घर सामने भीड़ जमा हो गई। वहां खड़ी कार में आग लगा दी गई। तनाव बढ़ता देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। तनाव बढ़ता देखते रात भर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। जिले के सभी पुलिस अनुविभागों के SDOP और TI को बैतूल बुला लिया गया। उनकी घटना स्थल वाले क्षेत्र में ड्यूटी लगा दी गई। घटना के दौरान अमला बैतूल बाजार मुलताई बैतूल के TI और मुलताई बैतूल शाहपुर भैंस दही SDOP तैनात थे। पुलिस ने भीड़ द्वारा जलाई गई कार भी मौके से हटा दी है। पुलिस ने 13 साल की बच्ची से रेप के मामले में रमेश गुल्हानी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है। एडिशनल SP नीरज सोनी ने बताया कि आरोपी पुलिस की टीम बनाकर आरोपी की तलाश की जा रही है। उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने घटना के बाद आरोपी के घर के सामने खड़ी कार में आगजनी करने के आरोप में 4 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस इस मामले में बलवा और आगजनी के आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपी रमेश गुल्हानी को साल 2004 में भाजपा ने नगर पालिका बैतूल का एल्डरमैन बनाया था। वह चक्की ऑपरेटर संघ का अध्यक्ष भी रह चुका है। 3 बार भाजपा की टिकट पर आजाद वार्ड से चुनाव लड़ा लेकिन जीता नहीं। आरोपी रमेश का नाम कई विवादों में भी जुड़ा रहा है। इससे पहले मोहल्ले में एक मकान के चबूतरे पर बने निजी मंदिर के विवाद को तुल देने के मामले में भी रमेश सुर्खियों में रह चुका है। स्थिति कंट्रोल में है और पर्याप्त बल लगाएगा। जिले का पूरा बहुपुर से इकट्ठा कर लिया गया है और आरोपी तलाश में पार्टी भी रवाना हो गई है। तो ये स्थिति सामान्य है।